हेलो गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने किचन में विथ एग चॉकलेट केक बना रही हूँ, डार्क चॉकलेट केक। तो उसके लिए गाइस, मैं देखिए केक को पहले से बना ली हूँ और अब मैं इस गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। इसकी सारी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, हमारा वीडियो जल्दी बन जाए। आजकल हमारे घर में लाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं सोची कि पहले अपने व्यूअर्स के लिए केक बना लूं। तो ये हमारा केक बन गया है और अब मैं इसे ठंडा होने दूँ। के डेकोरेशन के लिए गनाश बना रही हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड मैं आधा कप डार्क चॉकलेट ली हूँ, ये कंपाउंड चॉकलेट है, और इसमें मैं आधा कप जितना मैं चॉकलेट ली उतना ही मैं क्रीम इसमें गरम करके डाल दी हूँ। और ये देखिए हमारा गनाश बन के तैयार है। और इसमें मैं हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा बटर डाल दी हूँ। बटर डालने से गनाश में एक ग्लेस आ जाता है, बहुत साइन आ जाता है आपके केक में। तो ये हमारा गनाश भी तैयार है। देखिए हमारा केक ठंडा हो गया है और अब मैं इसे डिमोल्ड कर देती हूँ। वाओ, ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा बना है। तो गाइस ये देखिए मेरा केक कट चुका है और अब मैं गाइस ये देखिए एक लेयर केक को मैं इस पर रख देती हूँ। और नेक्स्ट मैं इसमें ये मैं शुगर सिरप ली हूँ, इसे मैं गर्म पानी से बना लेती हूँ। इसे आप जितना डालेंगे, जितना मतलब फुल नहीं जाए, 2-3 बड़े चम्मच इसे डाल दें तो आपका जो केक है वो मॉइस्ट और सॉफ्ट बना रहता है बहुत लंबे समय तक। और इसके बाद मैं इसमें अपने गनाश को उस पर डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। और थोड़ी सी मैं इसमें केक में क्रीम डाल दी मन है ना। ऊपर से ये चॉकलेट है, ग्रेटेड चॉकलेट है, इसे मैं डाल दी हूँ। आखिर चॉकलेट केक ही तो बन रहा है, इसलिए मैं चॉकलेट डालने में कंजूसी नहीं कर रही हूँ। तो ऊपर ना रख ले हैं, ये देखिए गाइस एक लेयर मैं इसे भी लगा दी हूँ और थोड़ी सी क्रीम में अपने ये हमारा तीनों लेयर सेट हो चुका है। मैं इसे असेंबल कर रही हूँ अच्छे से और इस पर भी मैं थोड़ा सा शुगर सिरप अच्छे से डाल देती हूँ। ऊपर से मैं पहले मैं किनारे को इसके जो एजेज है इसमें क्रीम को नीचे की ओर लगा दे रही हूँ। हमारे यहाँ भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हमारा जो क्रीम है वो तुरंत मेल्ट होने लगता है। फ्रेंड ये देखिए देखिए क्रम कोटिंग मैं कर दी हूँ और अब मैं इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में डाल देती हूँ और अपने चाकू को गर्म पानी में क्लीन होने छोड़ देती हूँ। तो गाइस ये देखिए फाइनल कोटिंग के लिए मैं बताई ना, हमारे यहाँ भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो 2 मिनट मैं अपने केक को फिर से डिप कर ले रही हूँ। इसमें अपने गनाश को थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ केक में डालने के लिए। तो गाइस ये देखिए इसमें स्टिफ पिक आ गया है। ये देखिए मैं अपने बर्तन को पलट दी हूँ बट ये गिर नहीं रहा है। तो अब मैं बंद कर देती हूँ अपने बीटर को। देखिए मैं इसे फिर से क्रीम से कोट करने वाली हूँ, क्रम कोटिंग इसका हो चुका है। 10 मिनट मैं इसे फ्रिज में रख दी थी और नेक्स्ट मैं इसमें अब ये मेरे पास चॉकलेट गनाश जो मैं बनाई हूँ वो डाल दे रही हूँ अच्छे से
और फिर मैं इसे एक लेयर ऊपर में डाल देती हूँ। तो गाइज ये देखिए, बहुत जल्दी हमारा जो क्रीम है वो मेल्ट होता जा रहा है। ये देखिए हमारा एजेज में भी मैं, ये हमारे पास डार्क चॉकलेट है, इसे मैं ग्रेट करके और इसे मैं डाल दी हूँ और इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। हमारा डार्क चॉकलेट केक बन के तैयार है। तो अगर आपको हमारी डार्क चॉकलेट केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और कमेंट्स ज़रूर दें फ्रेंड कि हमारी ये केक की रेसिपी आपको कैसी लगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।